तो यार आज मैं तुम लोगों को बताऊंगा कि अगर तुम डायमंड पे हो या प्लेटिनम पे हो तो तुम्हें कॉन्क्रोट कैसे लगाना है और कितना प्लस लेना है हर एक मैच से और डेली का कितना प्लस लेना है जब जाकर तुम्हें कॉन्क्रोट मिल पाएगा। तो देखो सबसे पहला पॉइंट ये है, अगर प्लेन इस विलेज के ऊपर से जा रहा है तो तुम्हें इस विलेज पे कूदना है। और देखो इस किले पर बिल्कुल मत कूदना, क्योंकि देखो सारे बंदे आधे से ज्यादा देखो यहीं पे जाते हैं किले पर और गन मिलती नहीं है और निपट लेते हैं पहले ही, रिकॉल भी वेस्ट हो जाता है ना किल्स मिलते। तो तुम्हें इसी यहाँ पर जो ये छोटे से घर है ना इनको लूटना है, यहाँ पर किल्स निकालने अच्छे खासे, लगभग 5 किल हो जाए फिर तुम यहाँ से निकल जाना। और हाँ अगर यहाँ से प्लेन नहीं जाता ना तो तुम्हें गाड़ी लेनी है और गाड़ी लेकर यहाँ से रिकॉल लेकर निकल लेना है। उससे क्या होगा ना देखो तुम्हारे पास रिकॉल सेफ रहेगा और फिर आगे तुम फाइट भी ले सकते हो किसी से भी, ठीक है। और अगर बाई चांस तुम आगे जाके मर भी जाते हो तुम रिकॉल हो जाओगे दोबारा, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं अगर तुम मर जाते हो बाई चांस और फिर तुम कूदते हो तो तुम्हें कहाँ पर अपनी लूट कम्प्लीट करनी है। तो देखो कभी भी हॉट ड्रॉप वाली जगह पे कूदना नहीं है, मतलब कोचिंग की पे नहीं कूदना, स्कूल अपार्टमेंट्स पर, तुम छोटे छोटे जो होते हैं ना कंपाउंड्स वहां पर लूट करना अपनी, फिर वहां से अपनी लूट कंप्लीट करके जोन के एजिस पर रहना, ठीक है। और जब भी तुम जोन के साथ साथ चल रहे हो ना तो ये कोशिश करना कि तुम्हारे पीछे से बंदा ना आ रहा हो, मतलब पीछे अपने क्लियर करके रखना। देखो गन का कॉम्बो अगर बताऊं तो M4 UMP, ठीक है, पहला कॉम्बो ये हो गया। और दूसरा कॉम्बो है S12K + M416 और DVS और M416, क्योंकि देखो S12K और DVS ना क्लोज रेंज में बंदे की फाड़ के रख देगी, बंदा डर जाता है DVS की आवाज़ सुनकर डर जाता है, ठीक है। और एक चिपक गई तो बंदा फिनिश है डायरेक्ट। देखा यार ये बंदा कैसे फिनिश हुआ S12K का एक शॉट लगता ही, सेम ऐसे ही हो जाएगा जब तुम भी मारोगे ना तो ऐसे ही हो जाएगा। और देखो बाकी चीजें तो मैंने तुम्हें बता ही दी है, अब बात करते हैं कि डेली तुम्हें कितना प्लस लेना है। तो यार देखो अगर तुम डायमंड पे हो ना तो तुम 200 का प्लस लेकर चलो डेली, क्योंकि जब तुम डेली 200 का प्लस लेकर चलोगे ना तो तुम्हें कॉन्क्रीट पहुंचने में बहुत आसानी हो जाएगी। हो सकता है तुम 2 हफ्ते में कॉन्क्रीट पहुंच जाओ या फिर 1 हफ्ते में तो पहुंच जाओ। तो चलो अब बढ़ते हैं इस गेम प्ले की तरफ। तो देखो जैसे मैं कूदता हूँ ना यहाँ पर तो मेरे को पहले तो गन नहीं मिलती, मेरी गलत लैंडिंग हो जाती है, फिर मैं स्लाइड करके लूट कर यहाँ आता हूँ तो यहाँ पर ये दोनों बंदे लड़ते हैं और फिर मैं यहाँ पर थर्ड पार्टी करके इस बंदे को S12K से मार देता हूँ। अब एक बंदा मेरे घर पर आ चुका है स्लाइड कर, अब इस बंदे को देखो कैसे भरते हैं। इसलिए मैं तुम्हें बोल रहा था S12K, देखो S12K से तुरंत बंदा फिनिश हो गया। अगर मैं स्कारल से मारता ना तो यहाँ पर इसको मारने में बहुत टाइम लगता है, जितने में वो भी हो सकता था मेरे को मार देता। यहाँ पर मैं TPP लेकर देख ही रहा हूँ कि बंदा कोई दिखे और मैं मारूँ किल बढ़े, अब इतने में ये बंदा बैल बजा देता है और देखो वो वहाँ से आ रहा है, इस पे स्प्रे देता हूँ तब टूट जाता है। इस बंदे ने मेरा किल चुराया, नाम याद रखना राणा जी नाम है इसका, इससे हमारी आगे जाकर फाइट होगी और इस किल का बदला मैं इससे वहाँ पर लूंगा। अब देखो एक बंदा यहाँ पर बहुत देर से UAZ घुमा रहा था और बार बार इसी घर के आसपास घुमाया जा रहा है। अब देखना है इसको कैसे भरते हैं। अब ये बंदा मेरी ऑलमोस्ट आधी HP कर ही चुका था और इस पर भी DVS थी, अगर इसकी DVS का एक शॉट भी पड़ जाता ना तो मेरा गेम यहीं पर ख़त्म हो जाता। अब एक बॉट आता है और इसको मारते हैं। अब मैं UAZ लेकर जोन में जा ही रहा होता हूँ, इतने में बंदा यासनाया से मेरे पे फायरिंग करता है। वो बंदा मेरे को मार तो नहीं पाता पर मेरे यहाँ पर आकर गाड़ी का फ्यूल ख़त्म हो गया था, फिर मैं अपनी स्नोबोर्ड पर निकल जाता हूँ जोन के लिए। अब मैं जैसे तैसे बंदों से बच बचा कर यहाँ पर आता हूँ तो मेरे को ये वॉच टावर दिखता है, फिर मैं यहाँ पर सोचता हूँ कि थोड़ी देर होल्ड कर लेता हूँ। यहाँ पर बहुत देर हो जाती है, कोई बंदा नहीं आता सिवाय इस बॉट के। अब यहाँ पर फायरिंग होती है और आवाज़ आती है ये कूप की। अब मेरे को पता था ये बंदा टकरा गया और इसकी गाड़ी पलट गई, इधर पलट गई गाड़ी।
देखो जैसे स्मोक हटता है मैं उठता हूँ और ये यहाँ से बंद, यहाँ से डीपी से स्प्रे देके ये गेट तोड़ दिया। अब यहाँ पर मुझे एक बार को लगता है कि ये दो बंदे हैं और टीम अप करके खेल रहे हैं, पर ऐसा नहीं होता। फिर मैं खुद ही खिड़कियाँ बंद कर देता हूँ ताकि मुझे मार ना पाए ये पीछे से आकर। अगर ये स्प्रे पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना और सब्सक्राइब कर लेना अगर चैनल पे नए हो। मैं इसको मार के इंतज़ार करता हूँ कि ये पीक करे, करता है पर इसके हेड नहीं लग पाता। इतने में इसको पीछे से M4 मारकर बंदे ने ख़त्म कर दिया। मैं यहाँ पर इस बंदे की पेटी लूट ही रहा होता हूँ, इतने में यहाँ से फायरिंग आती है। जोन भी साथ में आ जाती है इसलिए मैं स्नोबोर्ड पे वापस से जोन में निकल लेता हूँ उन बंदों को वहीं पर छोड़कर। अब मुझे ये शैक दिखता है, ये जोन में भी था और खाली भी था, यहाँ पर कोई बंदा नहीं था, तो मैं यहीं पर थोड़ी देर होल्ड करता हूँ। अब ये स्प्रे जो मैंने भगा है ना इतना, अब ये मेरे को थोड़ी देर में दुख देने वाला है और वो कैसे अब देखना। Marked a location. अब इस बंदे को अगर मैं जबी मार देता ना तो शायद मेरा चिकन हो जाता इसमें और अच्छा खासा प्लस मिल जाता, पर कोई नहीं, चलो 28 का प्लस मिल चुका है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लेना। अब मैं तुमसे मिलता हूँ किसी और वीडियो में। बाय।